पॉलिटिकल साइंस सेकंड के अंदर फर्स्ट चैप्टर भारतीय संविधान की विशेषताएं व प्रस्ताव यह हमारा संपूर्ण हो गया था। आज हम सेकंड के ही सेकंड चैप्टर के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सेकंड चैप्टर है हमारा मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व व मूल कर्तव्य व मूल कर्तव्य। तो इस प्रकार से ये हमारा सेकंड चैप्टर है सेकंड का। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, चर्चा आज हमारी मौलिक अधिकारों के बारे में रहेगी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अधिकार क्या है। अधिकार पहले भी हम बता चुके हैं, ऐसे औचित्यपूर्ण दावे जिसकी समाज में मान्यता प्राप्त है, सरकार के द्वारा स्वीकृति प्राप्त है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। वे औचित्यपूर्ण दावे जिनकी समाज में मान्यता प्राप्त हो तथा शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो, शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो, अधिकार कहलाते हैं। ये बात अधिकारों की है। जब हम बात किसी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार से तात्पर्य है विद्यार्थियों, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए चहुंमुखी विकास, पूरा सर्वांगीण विकास कैसे हो, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान के द्वारा प्रदान किए गए अधिकार क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार कहलाते हैं। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार कहलाते हैं। किसके लिए? व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए। और ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। वे अधिकार क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार कहलाते हैं। विद्यार्थियों, विद्वान सप्रू ने भी कहा कि समानता
स्वतंत्रता न्याय समानता स्वतंत्रता समानता स्वतंत्रता व न्याय के लिए न्याय की स्थापना के लिए क्या आवश्यक है मौलिक अधिकार है जिनके माध्यम से समानता स्वतंत्रता व न्याय की स्थापना हो ऐसे अधिकार क्या कहलाते हैं मौलिक अधिकार समानता स्वतंत्रता व न्याय की स्थापना के लिए प्रदत्त अधिकार क्या कहलाते हैं प्रदत्त अधिकार क्या कहलाते हैं मौलिक अधिकार क्या कहलाते हैं मौलिक अधिकार न्यायाधीश सुब्बाराव सुब्बाराव ने कहा कि मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम है यानी फंडामेंटल राइट इज अनदर नेम ऑफ नेचुरल राइट्स प्राकृतिक अधिकार जो हैं इन्हीं का ही दूसरा नाम मौलिक अधिकार है इस प्रकार से मौलिक अधिकार जो है विद्यार्थियों को हमारे सर्वांगीण और चौमुखी विकास के लिए अति आवश्यक है इनके बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता अब हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों ये जो मौलिक अधिकार है इन मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है क्या इंपॉर्टेंस है मौलिक अधिकारों का महत्व किन के लिए मौलिक अधिकार जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो क्यों तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों का महत्व या ये भी आता है मौलिक अधिकार हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है तो सबसे पहले मौलिक अधिकार का अर्थ हो गया अब है मौलिक अधिकारों का महत्व या प्रभाव अगर मौलिक अधिकारों के महत्व की बात करें विद्यार्थियों तो सबसे पहला महत्व हमारे लिए कि ये जो है व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक नंबर एक प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा अब ध्यान से सुनिए विद्यार्थियों मौलिक अधिकार जो हैं वो प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं इसके बिना हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता यानी सर्वांगीण विकास अगर करना है व्यक्ति को तो उनके लिए मौलिक अधिकार अति आवश्यक हैं तो पहला पॉइंट हो गया हमारा प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा इस प्रकार से विद्यार्थियों तो पहली ये चर्चा हुई हमारी प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान करना यानी प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए विद्यार्थियों मौलिक अधिकार आवश्यक है मौलिक अधिकारवाद योग्य है अगर व्यक्ति के अधिकारों का कहीं हनन होता है
तो वो न्यायपालिका की शरण ले सकता है, यहां तक कि सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है अगर उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो। अन्य के मामले में व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, लेकिन मूल मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए क्या है, मौलिक अधिकार आवश्यक है। मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, राज्य की शासन की शक्तियों पर अंकुश लगाता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। नंबर दो, शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक, शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। स्वेच्छाचारिता का मतलब होता है मनमर्जी, निरंकुशता, ये क्या है स्वेच्छाचारिता। यदि कोई भी सरकार ऐसे कानून नहीं बना सकती जिससे लोगों के अधिकारों का क्या होता हो, हनन होता हो, कोई भी सरकार अपनी मन मर्जी नहीं कर सकती। अगर कानून बनाते समय अधिकारों का अतिक्रमण कर दिया जाता है तो न्यायपालिका के द्वारा ऐसे कानूनों को खारिज कर दिया जाता है, जो हमने न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत पढ़ा। तो शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाई जाती है, नकारात्मक होने के कारण सरकार पर अंकुश लगाए रहते हैं कि आप मौलिक अधिकारों के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए विद्यार्थियों, तो ये शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाने के लिए मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे सरकारें जो है लोक कल्याणकारी कार्य करती है, जनहित में कार्य करती है, और ऐसे कार्य करती है जिससे नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण हो न कि हनन हो। अगर ऐसा होता है तो नागरिक जो है न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं, और न्यायपालिका जो है लोगों को, व्यक्तियों को, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करती है, उनके अधिकारों का हक दिलाती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा होती है, साथ साथ में शासन की स्वेच्छाचारिता पर भी क्या लगाई जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। और अगला महत्व तो है विद्यार्थियों, वो है न्यायिक सुरक्षा। न्यायिक सुरक्षा, प्यारे विद्यार्थियों, मौलिक अधिकारों का महत्व इसलिए है कि ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये वाद योग्य है, इन्हें न्यायपालिका की सुरक्षा प्राप्त है, और हमारे अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों का एक रक्षक है, न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की प्राणी है और मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। अगर मान लीजिए हमारे अधिकारों का कहीं हनन होता है तो हम न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। न्यायिक सुरक्षा के अंतर्गत हम कहते हैं विद्यार्थियों कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पांच प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं आर्टिकल 32 के तहत, जो हम पढ़ेंगे आगे अधिकारों के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पांच प्रकार की रिटें जारी की जाती है जिससे हमारे अधिकारों के हनन को रोका जा सके। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेक्षण, अधिकार पक्षा। तो ये पांच प्रकार के जो लेख हैं, इन लेखों के माध्यम से हमें कैसी सुरक्षा प्राप्त है, न्यायिक सुरक्षा भी प्राप्त है। ये नीति निर्देशक तत्वों की भांति ऐसे नहीं है कि हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, यह वाद योग्य नहीं है, ये वाद योग्य है, और हमारे अधिकारों का हनन होने पर हमें न्यायिक सुरक्षा भी प्राप्त है। और न्यायपालिका प्रहरी के तौर पे काम करती है, वो हमारे अधिकारों का रक्षक, सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकारों का रक्षक है। तो इस प्रकार से देखा जाए विद्यार्थियों,
तो हमारे अधिकारों को कौन सी सुरक्षा प्राप्त है? न्यायिक सुरक्षा प्राप्त है। अब वापस सुन लीजिए, मौलिक अधिकारों में महत्व में पहला महत्व हुआ प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है इन मौलिक अधिकारों के माध्यम से। दूसरा जो है शासन की सृजनशीलता पर रोक लगाई जा सकती है, कोई भी सरकार कोई भी शासन जो है मनमर्जी नहीं कर सकता। और तीसरी बात जो है विद्यार्थियों, न्यायिक सुरक्षा मौलिक अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा प्राप्त है और उनका हनन होने पर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, इसलिए न्यायिक सुरक्षा हमें प्राप्त है इन मौलिक अधिकारों को, इसलिए इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। ये वाद योग्य है, नकारात्मक है, शासन के विरुद्ध है, इसलिए इनका अतिक्रमण करना आसान काम नहीं है। नंबर चार, लोकतंत्र का आधार। नंबर चार, लोकतंत्र का आधार स्तंभ। प्यारे विद्यार्थियों, मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार जो हैं वो लोकतंत्र के आधार स्तंभ है, पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, आधार स्तंभ है। इन पिलरों पे ही ये डेमोक्रेसी मेंटेन हो पाती है, स्टैंड है। अगर देखा जाए विद्यार्थियों तो ये जो मौलिक अधिकार है ये लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। नागरिकों को व्यक्तियों को इनके माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जाती है। सरकारें मनमर्जी करके शासन को तोड़ मरोड़ नहीं सकती, क्योंकि ये वाद योग्य है, सरकार मनमर्जी से लोकतंत्र को भी खत्म नहीं कर सकती, निरंकुशता तो हो ही नहीं सकती इन अधिकारों के तहत। इस प्रकार से अधिकारों का हनन होने पर एक प्रहरी बैठा रखा है जो स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए विद्यार्थियों तो ये जो मौलिक अधिकार है ये हमारे लोकतंत्र के आधार स्तंभ है, इसलिए ही संविधान निर्माता संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहना पड़ा। ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार और अधिकार जो है ये हमारे संविधान की क्या है आत्मा है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये हमारे मौलिक अधिकार विद्यार्थियों लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, इनके बिना हम एक सफल लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। भारत जैसे देश के अंदर जहां पर विविधता समाई हुई है, भौगोलिक दृष्टि से देखें, आर्थिक दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें, जो विविधता भारत के अंदर है उन विविधता के अंदर एकता को बनाए रखना और वहां पर भी लोकतंत्र को कायम रखना ये इन अधिकारों के तहत विद्यार्थियों संभव हो पाता है, ताकि सरकार जो है कभी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर पाती है। नंबर पांच, समानता के इंडिकेटर, समानता के सूचक। अगर देखा जाए विद्यार्थियों ये अधिकार जो हैं समानता के सूचक है। वैसे समानता का अधिकार अलग से दे रखा है आर्टिकल 14 से लगा करके 18 तक, लेकिन इसमें मौलिक अधिकारों के माध्यम से विशेष अधिकारों का अंत किया गया और सभी को इस प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए जो समानता के सूचक हैं, समानता पर आधारित हैं। किस पर आधारित है? समानता पर आधारित हैं। अब वापस देख लीजिए एक बार, मौलिक अधिकारों के महत्व की बात करें तो पहली बात है विद्यार्थियों प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। दूसरी बात, शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाई जाती है। नंबर तीन, न्यायिक सुरक्षा प्राप्त है और मौलिक अधिकार जो है विद्यार्थियों लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। और नंबर पांच, समानता के सूचक है, इंडिकेटर ऑफ इक्विलिटी। अगर इस प्रकार से देखा जाए विद्यार्थियों
मौलिक अधिकारों का महत्व, ये पांच बातों के माध्यम से हम मौलिक अधिकारों के महत्व को निरूपित कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन ऐसा, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं तथा मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो ये पूरे महत्व तो आपको बताने हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्रदान की जाती है, शासन की स्वतंत्रता सहायता पर रोक लगाई जाती है, न्यायिक शिक्षा और लोकतंत्र का आधार स्तंभ और समानता के सूचक माने जाते हैं। तो ये हो गए विद्यार्थियों हमारे मौलिक अधिकारों का महत्व। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अंदर किस प्रकार के कौन कौन से मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, क्या क्या मौलिक अधिकार है, तो वो पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले आज हमारी चर्चा रहेगी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की बात करें तो मूल संविधान में ही हमने मौलिक अधिकारों की व्यवस्था कर दी ताकि इस लोकतंत्र को सफल बनाया जा सके। यही कारण है कि कई देशों के अंदर संविधान बनते हैं बिगड़ते हैं, लेकिन भारत का संविधान आज भी एक जीवन दस्तावेज है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने इस देश के संविधान को मॉडल संविधान के तौर पे अपनाया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अगर देखी जाए तो ये बात उभर करके सामने आती है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं, संविधान के भाग तीन, संविधान के भाग तीन, संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से लगाकर 30 और 32 से 35 यानी कुल 23 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 23 अनुच्छेद जो हैं वो हमारे संविधान में हैं। कितने अनुच्छेद हैं टोटल? पहले 24 थे, 24 में से आर्टिकल 31 जो है सामान्य संविधान संशोधन के द्वारा 31 अनुच्छेद जो है उनको हटा दिया गया। तो 24 थे, उसकी जगह कितने अनुच्छेद रह गए? 23 आर्टिकल। इस 23 अनुच्छेदों में नागरिकों के लिए, व्यक्तियों के लिए किसकी व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। प्यारे विद्यार्थियों, मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, सरकार शासन के विरुद्ध हैं और नागरिक व व्यक्तियों के हितों के संरक्षण के लिए हैं। इसलिए संविधान के भाग तीन को क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम, 1215 के अंदर पहली बार ब्रिटेन के अंदर जमींदारों को राजा के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए, वो अधिनियम बनाया गया, वो मैग्ना कार्टा अधिनियम था। इस प्रकार से अधिकारों के लिए जो पहल की जाती है वो मैग्ना कार्टा कहलाता है। तो संविधान का अगर मैग्ना कार्टा कहा जाए तो किसको कहा जाता है? भाग तीन को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। टोटल हाउ मेनी आर्टिकल?
इन फंडामेंटल राइट इन पार्ट थ्री तो 23 आर्टिकल है। कितने हैं? 23 आर्टिकल हैं। सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है? 19, जिसमें लगभग 450 वर्ड्स है। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा अनुच्छेद जो है कौन सा है? मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का भाग तीन का संविधान का नहीं है। भाग तीन का सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है? 19 है, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। तो भाग तीन का सबसे बड़ा अनुच्छेद है 19। इस प्रकार से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की बात करें तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने? 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे। 44वां संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को जो किसमें था? आर्टिकल 31 में था, मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया तथा अनुच्छेद 300 का में यह एक कानूनी अधिकार मात्र है। ठीक है, पहले जो मौलिक अधिकार था उनको हटा दिया गया, मौलिक अधिकार की जगह इसको कानूनी अधिकार तक ही सीमित रखा है जो आर्टिकल 300 में। कानूनी अधिकार सभी को संपत्ति रखने का, किसी को संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा, लेकिन हमारा मूल अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो एक अधिकार हटा दिया गया तो वर्तमान में कितने रह गए? वर्तमान में भाग तीन में कितने अधिकार रह गए? 6 मौलिक अधिकार। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए विद्यार्थियों ये बातें हैं। अब 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, किसके अंदर कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, इन सभी के बारे में जो है हम चर्चा कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।